सबने सजेस्ट किया था कि भाई इस्लामाबाद आए तो तहजीब का जो है वो पिज़्ज़ा ज़रूर खाएं, तो आज हम जो है वो तहजीब का पिज़्ज़ा खा रहे हैं। लेट्स गो। अच्छा, मैंने एक वीडियो में कासिम शाह की एक जो मोटिवेटर है उसकी एक मैंने वीडियो देखी थी, जिसमें तहजीब का नाम लेके उसने बोला था कि आप इस्लामाबाद जाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसकी स्पेशलिटी जो है वो पिज़्ज़ा है, प्लस यहाँ की सैलड है। इसके दो ब्रांच है, एक इस्लामाबाद में है और एक पिंडी में है, और बहुत ज़्यादा मशहूर है, और काफ़ी ज़्यादा जो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रिपल टू नंबर मिला हुआ है और अनफॉर्चुनेटली आप जो नंबर चलाए 192 नंबर हम पीछे हैं अभी। और सीन ये है कि अंदर कोई बैठने की जगह नहीं है, आपको बाहर ही आना पड़ेगा, और सर्दी भी ठीक ठाक है। हाँ, तो हमें जो है ना लकीली ये टेबल मिल गई बैठने के लिए, तो हम चारों जो है वो यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। Enjoy the cold. हाँ, अच्छी बात ये है कि बाहर जो है वो काउंटर नज़र आ रहा है और कोई जो है ना वो नंबर जो है शो हो रहा है, ताकि आप बाहर बैठे बैठे जो है आपको पता चल सके कि भाई आपकी जो है वो चीज़ रेडी हुई है कि नहीं हुई। और बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले राहत के नाम से चेंज होती थी, ये चेंज गलत है। उसके बाद जो फैमिली का क्लेश हुआ, तो जो पार्टीशन बिजनेस के जो है ना डिवीजन हुई, तो राहत ने अगले जो है फैमिली मेम्बर ने जो है वो कंटिन्यू किया और इन्होंने तहजीब का कंटिन्यू किया। बेसिकली जिसकी ये ब्रांच है वही मेन ओनर है, शेफ जिसे कहते हैं वही थी जो पीटीवी पे भी आती थी, उनका नाम भी आई थिंक राहत है, तो उन्हीं की ये सारी चेन है। ये किसी फीमेल का है? जी, फीमेल का है, और ये मतलब कुकिंग के प्रोग्राम्स वगैरह करती थी। अगर किसी को जो है याद हो तो एक राहत नाम से खातून थी, ये उन्हीं की है सारी। अच्छा, इसका मतलब इस वक्त इस्लामाबाद में राहत नाम की भी कोई बेकरी होगी? जी बिल्कुल, राहत जो हमारे घर की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे राहत बेकर्स हैं, वो भी इन्हीं की फैमिली की हैं। फिर जो भी हो इनके रिश्तेदार मुझे नहीं पता, मगर हमने ये सुना है, अब जट सच है झूठ है पता नहीं। सैलड यूज कर ले पहले, उसके बाद अभी नंबर मेरे ख्याल में 193 है। अब टाइम लगेगा। ओके, क्या बात है यार, और 187 चल रहा है।